तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक90o चैनल में, जहां आपके लिए मैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेकर आया हूं जो लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को अमेज़न पर। और ये है हमारा सैमसंग M31s। तो जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस, तो चलिए इस वीडियो में ही देखते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ रहा है हमारे लिए नॉन चाइनीज स्मार्टफोन सैमसंग M31s 30 जुलाई को अमेज़न पर। तो इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो मैं इसमें आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको इसमें इन्फिनिटी और डिस्प्ले डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और साथ ही बात करूँ तो इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, अगर आपने नोटिस किया हो तो अमेज़ॉन पर जो इसका पोस्टर है उसमें आपको बैक में कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर या साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये सैमसंग के लिए और हमारे लिए भी। तो बात कर ले इसके बैक कैमरे की, तो बैक में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा जो फ्लैगशिप मोबाइल में आता था सैमसंग के, वो है सिंगल टेप का ऑप्शन। सिंगल टेक का जो फीचर्स है ये काफ़ी बढ़िया रहेगा सैमसंग और हमारे लिए, मतलब हमारे लिए तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप वन क्लिक करेंगे तो उसमें मल्टीपल फोटोज़ और वीडियोस आप कलेक्ट कर पाएंगे बस वन क्लिक में। तो इसके अंदर आपको 7 फोटोज़ और 10 वीडियोज़ मिलेगी, जो काफ़ी बढ़िया मतलब ये फीचर्स है इसका। तो इसके फ्रंट की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलेगा जो पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। तो इसके अंदर आपको मतलब एक बिंदी देखने को मिलेगी जिससे आप अपनी सेल्फी वगैरह खींच सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बिग बैटरी देखने को मिलेगी जो 6000 मेगाहर्ट्ज की होगी और 25 वाट के चार्जर के साथ, फास्ट चार्जर के साथ आप इसे चार्ज भी कर सकेंगे। और साथ में इसमें नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है इसमें रिवर्स चार्जिंग का। तो इसका मतलब है आप इस मोबाइल को अपना पावर बैंक भी बना सकते हैं, तो बिग बैटरी के साथ साथ पावर बैंक भी। तो बस इसमें एक ही डिसअपॉइंटेड करने वाली है इस मोबाइल में, बस इसका जो प्रोसेसर है। तो जो अब तक जो भी मतलब एम सीरीज का मोबाइल आया है, M30, M30s, M30 1, तो मतलब उसके अंदर आपको एक्जीनोज 9611 देखने को ही मिला है। तो सैमसंग ने क्या करा है इस बार, ये भी इसमें आपको सैमसंग का एक्जीनोज 9611 देखने को मिलेगा। तो बस ये एक ही प्रोसेसर मतलब इन्हें मिल रहा है इस एम सीरीज़ में डालने के लिए, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। सैमसंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें एक चिपसेट मिल रहा है यही डाले जा रहे हैं, बहुत मतलब इसमें स्टॉक है इस चिपसेट का, ऐसा मत करो सैमसंग। तो मतलब ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया होने वाला है अंडर 20,000 और नॉन चाइनीज़ ब्रांड की तरफ से, शाओमी वाओमी और ये किसी का नहीं है, सैमसंग की तरफ से, तो ये नॉन चाइनीज़ ब्रांड है। तो आपको ये मोबाइल कैसा लगा और एक डिसअपॉइंटेड करने वाली बात बताइए कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए बाय, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।